students, today we will discuss some question on addition and subtraction of integers. Addition of subtraction of integers के कुछ questions आज discuss करूँगा मैं आप लोग से. इसके पहली क्लासेस में हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल्स देखे थे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के क्या रूल होते हैं. नाउ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ आते हैं वो हम देखते हैं. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -524 एंड 678 फ्रॉम -92. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो पहले ये दोनों का हमको सम करने बोला है, राइट? यानी हमको एज इट इज जैसे क्वेश्चन में लिखा है, मैं आपको अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. द सम ऑफ दिस एंड दिस मीन्स -524 प्लस 678. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस यानी ये दोनों का सम फ्रॉम -92. जिसको अगर मैं करूँगा तो बताओ, ये चीज़ ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, माइनस प्लस बिकम्स माइनस. तो 678 माइनस 524, 678 माइनस 524 कितना आ गया, 154. और ग्रेटर वाले नंबर की साइन रहेगी, यानी कि साइन आएगी प्लस 154. अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -92. तो सब्ट्रैक्ट का भी रूल मैंने आपको बताया था कि जो फ्रॉम के बाद में जो नंबर है वो हम पहले लिखेंगे. तो हम पहले लिखेंगे -92 -154. ये माइनस फ्रॉम का है, -154. अगेन बताया था, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. सो 154 प्लस 92, तो 4 प्लस 2 6, 9 10 14 का 4 कैरी 1 एंड 246, राइट? तो माइनस माइनस प्लस, तो 92 प्लस 154 आ जाएगा 246. ग्रेटर वाले नंबर की साइन आएगी, ग्रेटर नंबर -154 है तो साइन आएगा -246. सो इसका आंसर आ गया आपका -246. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को पुश करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई करो, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट -341 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. एज इट इज हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन नहीं यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ, -341 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम. किससे सब्ट्रैक्ट करने बोला है हमको, द सम ऑफ 83 एंड 56, यानी कि सम ऑफ 83, सम का मतलब होता है प्लस, 83 एंड -56, राइट? तो ऐसे बोल सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, राइट? तो पहले ये दोनों का सम निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, -341 फ्रॉम, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 83 प्लस माइनस माइनस 56. अगेन 83 माइनस 56 कितना हो जाएगा आपका, 83 माइनस 56 तो 8 7 13, तो बचा आपका 7 और ये बचा आपका 2, तो आया 27. तो आया -341 फ्रॉम, ये दोनों की वैल्यू कितनी आई आपकी, 27, राइट? तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 27 का मतलब क्या होगा, 27 माइनस ऑफ -341. और आपको मालूम है ये माइनस अगर ब्रैकेट रहता है तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो 27 प्लस 341 कितना हो जाएगा, 863. तो 368 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चेक कर लीजिए सही बनाया कि नहीं आपने, 368 इज आ आंसर, राइट? नाउ अगेन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -278। दो इंटीजर का सम दिया है हमको -278। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -156, फाइंड द अदर। यानी कि दो इंटीजर का सम हमको दिया हुआ है, जिसमें कि एक इंटीजर अगर ये होगा तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो देखो, एकदम क्लियर है क्वेश्चन। दो इंटीजर का सम दिया है जिसमें कि एक इंटीजर -156 दिया हुआ है और अदर इंटीजर हमको निकालने बोला है। तो सबसे पहले याद रखो, जो निकालने बोला है उसको हम एक्स ले लेते हैं, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। अब सम ऑफ टू इंटीजर इज -78, दोनों इंटीजर का सम दिया था जिसमें कि एक इंटीजर -156 है, सॉरी -156, और अदर इंटीजर को हमने एज्यूम किया है विच इज एक्स, यानी प्लस एक्स, यानी ये दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? -278, बिकॉज दिया है सम ऑफ टू इंटीजर इज -278, यानी अगर एक इंटीजर ये है तो दूसरा इंटीजर हमने एक्स एज्यूम किया, ये दोनों का सम किसके इक्वल? -278 के इक्वल, राइट? तो -156 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन है, -156 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -278 प्लस 156, राइट? अगेन माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो 278 और 156 को माइनस कर लो, 8 में से 6 गया 2, 2, 1, कितना आ रहा है आपका x? 122, ग्रेटर वाले की साइन रहेगी, तो ग्रेटर वाला कितना आ गया? -122, तो दिस इज योर आंसर, राइट? x इज इक्वल टू -122, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? नाउ x इज इक्वल टू -122, सेम इसी टाइप, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये जितना हमने किया 1, 2, 3 क्वेश्चंस किए, तो इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो एक बार एटलीस्ट इसको सॉल्व करके देखिए वीडियो को पुश करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -42 एंड -137 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ -283 एंड -415। अब यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख के सॉल्व करेंगे हम इसको। हम इसको एज इट इज़ लिखने की कोशिश करते हैं, जो हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों का सम का मतलब हमको एक चीज़ तो क्लियर है, -42 प्लस ऑफ -147, राइट? फ्रॉम है, फ्रॉम को हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे, ठीक है? द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, देखिए जब डिफरेंस बोलता है ना तो ध्यान देना कि यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखा है, यहाँ डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी। अगर आपको बोले डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप लिखोगे ए माइनस बी, राइट? तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस का मतलब -283 माइनस ऑफ -415। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस साइन, डिफरेंस का मतलब माइनस साइन, तो दिस माइनस ऑफ दिस, राइट? सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा बताओ? ये इसको हम लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट -42 प्लस माइनस बिकम्स -147 फ्रॉम अगेन -283 माइनस माइनस बिकम्स +415, राइट? सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे इसको, कितना आएगा? 7 + 2 = 9, 4 + 4 = 8, 1, और साइन किसकी आएगी? ग्रेटर 1, तो -189 आ गया, राइट? नाउ फ्रॉम
अगेन माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस कर लो 415 एंड 283, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, आप माइनस करिए 415 से 283 को कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, अगेन कैरी ओवर 3, तो 132, राइट। सो अगेन ग्रेटर वन कौन सा है दोनों में, 415 ग्रेटर है, तो इसका आंसर आएगा प्लस 132। नाउ हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्ट लिखा था और उसका ये फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस का मतलब एकदम सिंपल है, विच इज नथिंग बट 132 माइनस ऑफ माइनस 189, राइट। पहले फ्रॉम के बाद वाला पहले, 132 माइनस ऑफ माइनस 189 विच इज नथिंग बट 132 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 189, प्लस कर लेंगे इसको, 189 प्लस 132 तो 11, 12, 321 विच इज नथिंग बट 321 विच इज योर आंसर, राइट। यहाँ तक समझ में आया? तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अगर क्लास 7 से मैं कंपेयर करूँ तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।